हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। डी यू सोल सोल्ड असाइनमेंट BAP BCOM P सेमेस्टर सेकंड कोर इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपलोड हो गया है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि कमेंट ऑन अम्बेज रिटेलिंग ऑफ सीताज स्टोरीज क्रॉसिंग द रिवर। ओके बच्चों, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर अभी आप लोग को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो अब अगर अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो भी नए बच्चे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें आप लोग, और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें। जो जिन जो अभी तक हमारे चैनल को नहीं जानते हैं उनसे बोलिए और उनको वीडियो शेयर करें कि वो आ जाएं और अपना असाइनमेंट कंप्लीट करें। ओके बच्चों, आप लोग को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक मैं आप लोग के साथ बना हूँ। ओके बच्चों, किसी का मैं असाइनमेंट नहीं छोड़ने वाला हूँ, सबको कंप्लीट कराने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो जितना भी मेल आ रहा है सारे का मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, और स्लोली आप लोगों को अपलोड भी कर रहा हूँ। वाले व्यूज नहीं आ रहा है मुझे पता है, लेकिन मैं बोला था कि आप लोग को मैं नहीं छोड़ूंगा, तो असाइनमेंट कंप्लीट कराऊंगा, तो इसलिए मैं व्यूज को नहीं देख रहा हूँ। तो आप लोग जो भी बच्चे हैं अभी तक असाइनमेंट नहीं कंप्लीट किए हैं, तो उनको वीडियो शेयर करें। ओके बच्चों, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों का आंसर, BAP BCOM P सेमेस्टर सेकंड कोर इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। तो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आप लोग देख सकते हैं। कमेंट ऑन अम्बेज रिटेलिंग ऑफ सीताज स्टोरी क्रॉसिंग द रिवर। ओके बच्चों, तो लिखना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। वीडियो को पॉज करना है, पॉज करने के बाद स्क्रीन पे कहीं भी टच करिए एकदम साफ दिखेगा, उसके बाद से अपना लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि PDF अपलोड होने में टाइम लग जाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो से ही लिखिए। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये 5 पेज का है। ओके, ओके बच्चों आगे बढ़ा जाए। तो बच्चों, आप लोग का रिक्वेस्ट बहुत आया है, जीमेल पे आया हुआ है, सब पे काम चल रहा है, तो आप लोग जल्द ही वो क्वेश्चन मिलेगा जो आप लोग भेजे हुए हैं जीमेल पे। जिन बच्चों को अभी भी दिक्कत है या कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है हो रहा है, तो आप लोग मेरे जीमेल पे भेज दें, ताकि आप लोग को मैं असाइनमेंट सॉल्व कर दूँ। ओके बच्चों, और आप लोग अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर ले और चैनल को आकर सब्सक्राइब कर ले। बहुत सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दें, ताकि हम लोग वीडियो बनाएं आप लोगों के लिए, असाइनमेंट कंप्लीट कराएं। और सिर्फ इसी बार का नहीं है, मैं आगे तक आप लोगों के साथ बना हूं। मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आप लोग को आगे तक मैं हेल्प करने वाला हूं। ओके बच्चों, तो आप लोग भी मुझे हेल्प करें। मैं आप लोग से भी एक रिक्वेस्ट करते रहता हूं कि आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, या आपके आस पड़ोस में, या आपके रिलेटिव में होंगे, जो कि NCERT मैथ्स बुक पढ़ते होंगे, 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास में हो, तो उन लोगों को ज़रूर बोले अपने चैनल पे आने के लिए। अपने चैनल पे 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास के NCERT मैथ है का सॉल्यूशन का वीडियो है, जो कि बहुत बेसिक तरीका से बताया गया है, पूरा चैप्टर को इंट्रोडक्शन दिया गया है,
और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बताया गया है, पूरा उसका उस चैप्टर के बारे में बताया गया है, फिर मेथड बताया गया है, पूरा एकदम बढ़िया से क्लियर कराया गया है, तब क्वेश्चन पे गया जाया गया है। तो इसलिए आप लोग प्लीज सपोर्ट मी, और आप लोग अपने चैनल को आगे बढ़ाने में सहायता करिए, हेल्प करिए। ओके बच्चों, आप लोग से रिक्वेस्ट है। और आप लोग के लिए भी है जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उन बच्चों के लिए भी है अपने चैनल पे कंपटीशन लेवल की मैथ्स है, कंपटीशन लेवल की जनरल साइंस है, कंपटीशन लेवल की जनरल नॉलेज है। तो बच्चों जिनको भी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने चैनल पे कंपटीशन लेवल की मैथ्स, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो कंपटीशन लेवल का मैथ्स है वो बहुत ट्रिकी में बताया गया है, बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट ट्रिक में बताया बनेगा, कैसे हम टाइम को कम लगाएंगे क्वेश्चन को बनाने में ट्रिक मेथड से। तो आप लोग जरूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन एकदम सेकंडों में सॉल्व किया गया है। तो इसलिए आप लोग जरूर देखें। जो भी बच्चे कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं, जैसे कि SSC 10+2 हो गया, CGL हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, कोई भी स्टेट पुलिस हो गया, बैंक हो गया, DSSB हो गया, CTET वगैरह जितना भी है, रेलवे NTPC हो गया, सबके लिए उपयोगी है। तो आप लोग जरूर एक बार जाएं, वीडियो को देखें, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ओके बच्चों, और जो भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं उनको भी अपने चैनल पे लाइए, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने चैनल को आगे तक ले जाने में पूरी तरीके से मदद कीजिए, जैसे मैं आप लोगों को मदद कर रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन भले व्यूज नहीं मिल रहा तो भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो व्यूज मैटर नहीं रखता, बट आप लोग का असाइनमेंट कंप्लीट हो मैं यही सोचता हूँ। तो आप लोग भी मेरे बारे में सोचिए, और आप लोग भी अपने चैनल को आगे तक ले जाने में बहुत ज़्यादा सहायता कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं आप। तो हमको बहुत खुशी होगी कि आप लोग अपने चैनल को आगे ले जाने में बहुत हेल्प किया। ओके बच्चों, ओके ओके तो ये लास्ट हो गया, 5 पेज का है। ओके बच्चों, तो आप लोग लिखिए इसको, और साफ साफ लिखना है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि एकदम साफ साफ, बिल्कुल काट पीट नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, क्योंकि असाइनमेंट का 50 नंबर, एक क्वेश्चन का 50 नंबर है, तो इसलिए अच्छे से आप लोग लिखिए। ओके तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले अपडेट में। ओके तो आप लोग हंसते रहिए, असाइनमेंट करते रहिए, और बने रहे अपने चैनल के साथ। ओके तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। ओके थैंक यू सो मच बच्चों।